मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का बजट पेश कर दिया है। इस बजट को बही खाता नाम दिया गया है। वहीं इस बजट को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। जहां बीजेपी ने इसे क्रांतिकारी बताया तो वहीं कांग्रेस ने पलटवार तेज कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बही खाता यानी बजट पेश किया। बजट में कई ऐसे ऐलान हुए जिसके बाद आम लोगों से जुड़ी हुई चीजें महंगी हो जाएंगी। इसके अलावा कई प्रोडक्ट्स पर आम लोगों को राहत भी मिली है। मोदी के बजट को सीएम कमलनाथ ने महंगाई बढ़ाने वाला निराशाजनक बजट बताया। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि आम जन इस बजट से खुद को ठगा महसूस कर रहा है। आम जन के लिए इस बजट में कुछ नहीं है, यह महंगाई बढ़ाने वाला बजट है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत प्रदान करने के बजाय इसे और महंगा कर दिया गया है। वहीं पूर्व सीएम शिवराज ने बजट को क्रांतिकारी बताया और बही खाता नाम का स्वागत करते हुए कहा कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति मिली। उन्होंने कहा ये बही खाता वैभवशाली गौरवशाली और संपन्न समृद्ध भारत के निर्माण का परिचय है। अंग्रेजों की बनाई एक और परंपरा को उन्होंने समाप्त कर दिया। बजट अब बजट नहीं कहा जाएगा, बही खाता कहा जाएगा। मैं भारत की पहली स्वतंत्र महिला वित्त मंत्री निर्मला जी को भी बधाई देता हूँ। आज जो बही खाता प्रस्तुत किया है वो वैभवशाली भारत, गौरवशाली भारत, संपन्न भारत, समृद्ध भारत के निर्माण का बही खाता है। और एक समृद्ध भारत के निर्माण के लिए, मजबूत भारत के निर्माण के लिए, मजबूत नागरिक के निर्माण का बही खाता है। इस बही खाते में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। गांव, गरीब, किसान, माताएं, बहनें, मध्यम वर्ग, छोटे दुकानदार, नौजवान, ये गरीबी घटाएगा, रोजगार के नए अवसरों को सृजित करेगा। हमारी वित्त मंत्री जी ने जो 10 उद्देश्य घोषित किए हैं वो 10 उद्देश्य की पूर्ति देश को भी मजबूत बनाएगी, नागरिक को भी मजबूत बनाएगी। ये 2022 तक जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने व्यक्त किए हैं, हर गरीब को मकान, पीने का स्वच्छ पानी, किसान की आय दुगनी करने का, रोजगार के नए अवसर सृजित करने का, हर घर बिजली पहुंचाने का जो हमारा संकल्प है उसकी पूर्ति का बही खाता है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले जो अपना संकल्प पत्र जनता के बीच रखा था, उस संकल्प पत्र में हमने जो चीज़ें कही थी उनको पूरा करने की दिशा में एक सार्थक और समग्र प्रयास है ये बही खाता। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का बही खाता है जो समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाए। वहीं कांग्रेस मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने भी मोदी सरकार के बही खाते पर करारा निशाना साधा और कहा आम जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है। बजट पूरी तरह से निराशाजनक है, आम जनता इसके बाद खुद को ठगा महसूस कर रही है। इस बजट में समाज के किसी वर्ग के लिए कुछ नहीं है, पूरी तरह से महंगाई बढ़ाने वाला बजट है। पेट्रोल डीजल की कीमतों से जनता राहत की मांग कर रही थी, लेकिन कीमतें बढ़ाकर उस पर सेस लगाकर और पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई गई है, इससे महंगाई बढ़ेगी, आम वस्तुओं की चीज़ें महंगी होगी। जिस महंगाई के नाम पर मोदी सरकार सत्ता में आई थी उसने और इस बजट से महंगाई बढ़ाने का काम किया है। महिलाओं को भी ठगा गया है, सोने चांदी के ऊपर ड्यूटी बढ़ाकर उसे भी महंगा किया गया है। इस बजट के अंदर गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के रोजगार को लेकर कुछ भी नहीं है। इससे विकास की गति जो है रफ्तार और धीमी होगी और निश्चित तौर पर मिडिल वर्ग को भी इनकम टैक्स में कोई राहत प्रदान नहीं की गई। जनता की बड़ी उम्मीद थी इस बजट से, लेकिन जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है। पूरी तरह से आंकड़ों का मायाजाल है, निराशाजनक बजट है और कहीं ना कहीं देश को पीछे ले जाने वाला बजट है। कुल मिलाकर अब देखना होगा कि इस बजट से देश की क्या दिशा तय होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।